सभी खापों के प्रधान, सभी किसान संगठन, सभी खापों के सेक्रेटरी, मेरे सामने मेरे बुजुर्ग किसान योद्धा, माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि भाई कल केएमपी का जो हमारा वहां बैठने का संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान था 11 से 4 बजे तक, तो आपके मार्गदर्शन में बहुत ज्यादा सफल रहा। चाहे वो रेल रोको अभियान हो, चाहे वो भारत बंद हो, सभी संयुक्त मोर्चा के जो भी आदेश आए, हमारे डासा बॉर्डर धरने में बहुत ही शांतिपूर्वक बुजुर्गों के मार्गदर्शन में सभी सफल रहे। और जहां तक बात करूं आंदोलन की, तो बिल्कुल निर्णायक स्थिति पर खड़ा है और शांति बनाए रखो, आपकी जीत अवश्य होगी। और मैं नमन करता हूँ बुड्ढा से हमारे शहीद भाई करमवीर को, उनके मार्गदर्शन में उनकी आखिरी सांस तक यही बात थी कि भाई तीनों काले कानून वापिस होने चाहिए। मैं तो सलाम करता हूँ ऐसे परिवार को, आज भी यहाँ पर सभी मेरी माता बहने, उनकी उनके परिवार से उनके भाई सभी आए हैं और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने जो बात कही थी, भाई आखिरी सांस तक हम अपनी इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और घर जब जाएंगे जब हमारी ये बिल वापसी हो जाएगी। और सरकार चाहे कितनी भी, आज भी हमारे टीकरी बॉर्डर पर एक भाई ने शहीद हो गए, सुसाइड कर लिया, और एक सिंधु बॉर्डर पर अर्ध गति रुकने से हमारे भाई शहीद हो गए। हम सरकार को बोलना चाहते हैं कि भाई ये काले कानून और कितनी हमारे किसानों की शहादत लेंगे, और हमारा कोई वार्तालाप तक का कोई अब तक न्योता नहीं भेजा, तो सरकार की मंशा साफ नहीं है। और ये नहीं पता किसान और मजदूर कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं हारता, किसान और मजदूर बिल्कुल मजबूती के साथ रुका हुआ है और डटा हुआ है, क्योंकि उसको पता है अगर ये काले कानून लग गए तो फसल में ना मंडी का भाव होगा, ना हमारे पास कोई जमीन का टुकड़ा होगा जो हम अपने बच्चों को क्या देंगे। इसीलिए हम मोदी साहब से कहना चाहते हैं भाई कि भाई अपने इन काले कानूनों वापस ले ले, नहीं तो जब तक चाहे कितना लंबा चलो चाहे अगले गड्ढे आ जाओ हम रुके हैं। जय जवान, जय किसान, जय छोटू राम, जय किसान मजदूर एकता।